ये वाला वहां पर ना ये थोड़ा पीछे रखेगा सर, क्योंकि रोशनी इसी से आएगी। सही है। नाम क्या? नाम है? नाम गणेश ऋषि। खुश तो बहुत है आप। एक साइड पर मेरे वो लगा है इधर। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गणेश ऋषि है, मैं 72 साल का हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने 22 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, और पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मैं एक कैंडिडेट था और कॉर्पोरेशन का भी मैंने इलेक्शन लड़ा था। मेरी दिली इच्छा है कि मैं आने वाले टाइम में श्री कुमार विश्वास जी जहाँ से भी इलेक्शन के लिए खड़े हों। कौन सा इलेक्शन? लोकसभा। श्री कुमार विश्वास जी जहाँ से भी लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हों, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और मेरी दिली इच्छा ये है कि अगर कुमार विश्वास जी अगर अपनी जमानत बचा दें तो मैं उनको 99,999 रुपये और 99 नए पैसे इनाम के तौर पे देना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसके अलावा? मेरा विश्वास ये है कि आप पार्टी ने जो बहुत अच्छा काम किया है उसको अब देश के लिए और दिल्ली के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो जुलूस चल रहे हैं और जो बातें देखने में आ रही हैं उसे लगता है कि वो ज़्यादा घमंड में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको घमंड में नहीं आना चाहिए। ये वो जो जीते हैं वो इसलिए नहीं जीते हैं कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं। लोगों ने जो वोट दिए हैं उन लोगों के लिए वोट दिए हैं, उन लोगों के अगेंस्ट वोट दिए हैं जिनको वो दुखी थे उनके कार्यकलाप से जी। सो उनकी जीत जो है वो अच्छी बात तो है, लेकिन वो जो जीत है वो मौजूदा सरकार के अगेंस्ट थी। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर दोबारा जहाँ भी इलेक्शन होंगे तो उनको इस जीत पे कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिनीज ऋषि ने अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाए हैं, तो इस चुनाव मैदान में उतरकर क्या आप कोई चुनाव जीतना चाहते हैं या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। एक तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि कृपया मुझे वोट मत दीजिए, किसी ऐसे कैंडिडेट को दीजिए जो आपके काम आ सके, जो आपके नजदीक रहता हो और जिसने आपका अच्छा काम किया हो या करने की क्षमता रखता हो। दूसरा मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो नोटा का बटन वाला काम किया है वो अच्छी बात नहीं है। नोटा जो है वो आपको मालूम ही है कि कितने हजार लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। अगर उन्होंने नोटा का इस्तेमाल ना किया होता तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनको वोट मिले होते तो वो जीत गए होते। तो कौन सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे आप इस चुनाव में? मैं चाहता हूं कि नोटा जो है या तो लोग हजारों लाखों की तादाद में दबाएं और इतना दबाएं कि ऐसा रिकॉर्ड दोबारा टूटना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपके नाम से रिकॉर्ड कैसे बनेगा? आपका क्या रिकॉर्ड बनेगा? मेरा जो रिकॉर्ड है कि मैं 72 साल का हूं और दिल्ली का एक बाशिंदा हूं, दिल्ली में ही मैं पैदा हुआ हूं और दिल्ली के लिए कुछ करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सरकार बने और जल्द बने। और मेरे दिल में क्या है ये तो मैं जब इलेक्शन में उतरूंगा और श्री विश्वास जी के अगेंस्ट उतरूंगा और जो उनको वोट मिलेंगे और मैं कुछ कह नहीं सकता। ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी बीवी भी वोट ना दे, मुझे कोई भी वोट ना दे, और जब मेरे को सर्टिफिकेट मिले तो उसमें लिखा हो कि इस कैंडिडेट को
जीरो वोट मेरा है, तो मैं जीरो वोट का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। साथ में चाहता हूँ कि नोटा का इस्तेमाल हजारों लाखों की तादाद में हो और इतनी बड़ी फिगर पैदा होकर निकले जिसका दोबारा टूटना बहुत 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 मुश्किल हो। ये आइडिया कहाँ से मिला? मैं समझता हूँ ये गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज वाले इसको बड़े आराम से एक्सेप्ट करेंगे। आइडिया कहाँ से मिला? आप और आपने जो फैसला लिया है कुमार विश्वास के अगेंस्ट लड़ने का, क्यों आखिर सिर्फ कुमार विश्वास पे ही टारगेट है आपका, क्या कारण है? श्री केजरीवाल जी ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में कुमार विश्वास को उतारेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जो है एक अच्छे कैंडिडेट हैं और उनको सिर्फ इसलिए कंपटीशन लड़ा जाए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस ना कर सके, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और वो पब्लिक को और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नज़दीक से नज़दीक आने की कोशिश करेंगे और आप पार्टी जो हजारों वोटों से जीती है उससे बहुत कुछ सीखेंगे और उस सीख से वो अपने को और अपनी पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। इनाम देने वाली जो बात थी वो एक बार दोबारा से बता दें सर, कि क्या आपने सोचा है, अगर क्या होता है तो कितना इनाम देंगे? मैं समझता हूँ श्री कुमार विश्वास जो है, अगर जहाँ से मैं खड़ा होऊंगा और जहाँ से वो खड़े होंगे, अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, जीतना तो दरकिनार रहा, वो अगर अपनी जमानत भी बचा लेंगे तो मैं उनको 99,999 रुपए 99 नए पैसे देना चाहूंगा, यानी कि 1,00,000 रुपए में से 1 नया पैसा कम। मैं उनको और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि 1 नए पैसे की अहमियत क्या क्या है। मेरे हिसाब से 99 नया पैसा कांट बी ए रूपी, 99 नए पैसे जो हैं सारी जिंदगी 99 नए पैसे रह जाएंगे। आप पार्टी अगर समझती है कि जो जीत उन्हें मिली है वो उस जीत के बिहाव के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में छाने की कोशिश करेंगी, तो वो मैं शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, ना वो दिल्ली का भला कर सकेंगी ना वो देश का भला कर सकेंगी। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल्ली के लिए कुछ करके दिखाएं और आने वाले टाइम में लोगों को महसूस हो कि उन्होंने आप पार्टी को वोट देकर कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, यस दीवार को मोड़ के देखो। नहीं इतना ठीक है।